आज एक ऐसे म्यूचुअल फंड का मैं रिव्यू करूंगा जो लगातार पिछले 3 साल से इन्वेस्टर को अच्छा खासा पैसा बना के दे रहा है। पिछले 3 साल का अगर मैं एनुअलाइज SIP रिटर्न देखूं तो 28 से 30% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन सिर्फ हम म्यूचुअल फंड को रिटर्न के बेसिस पे फोकस नहीं करेंगे। आज जो मैं आपके सामने म्यूचुअल फंड रखने वाला हूँ, जी हाँ, 2 साल पहले मैंने इस म्यूचुअल फंड का रिव्यू किया था और कई ऐसे इन्वेस्टर ने रिक्वेस्ट किया है कि इस फंड का फिर से आप रिव्यू करें। क्या ऐसे फंड्स में अभी भी बने रहें और लंबे समय के लिए हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। मैं पहले ही इन्वेस्टर को बता दूं, जो मैं आपके सामने ये रिव्यू रखने वाला हूँ, कोई म्यूचुअल फंड का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है और इस वीडियो के माध्यम से आप ऐसे फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। अपने रिस्क प्रोफाइल को मेजर करके ही ऐसे फंड्स को जगह देना। मैं एक थीमेटिक्स फंड्स के बारे में बात करूँगा तो आप जानते हो थीमेटिक्स और सेक्टर फंड कितना रिस्क जनरेट करता है। चलिए वीडियो का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस म्यूचुअल फंड के नाम से। जी हाँ, मैं ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड की बात कर रहा हूँ। एक ये थीमेटिक फंड है और थीमेटिक फंड में रिस्क का जो पैरामीटर होता है वो काफ़ी हाई होता है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ इसके बेसिक डिटेल से। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस रेशियो है 1.03% के करीब में है। अगर मैं AUM की बात करूँ तो 1,163 करोड़ का AUM देखने को मिल रहा है। एग्जिट लोड की बात करूँ तो 1% का है। मिनिमम जो SIP है वो आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो टर्नओवर रेशियो है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 55% के करीब में है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। चलिए अब रिटर्न पे फोकस करते हैं। सबसे पहले हम लमसम रिटर्न की बात करेंगे। पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 24 से 25% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज में 20 से 21% का रिटर्न देखने को मिला है। पिछले 3 साल की बात करें तो 46% का लमसम रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 27 से 28% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन का अगर मैं रिटर्न देखूं तो पिछले 1 महीने में 5.83%, पिछले 3 महीने में 10 से 11% और पिछले 6 महीने में 22 से 23% का रिटर्न है। और इस अंतराल में इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। देखो, जो भी म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहा है, आप कह सकते हो कि वैसे म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग है। चलिए अब SIP रिटर्न की बात करते हैं। देखिए, अगर SIP रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल में यहाँ पे जो रिटर्न देखने को मिल रहा है वो 34 से 35% का रिटर्न है। ये एनुअलाइज रिटर्न है। पिछले 2 साल का एनुअलाइज रिटर्न देखूँ तो 23 से 24% है और पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 30% का SIP रिटर्न देखने को मिल रहा है। लगातार 3 साल से ये म्यूचुअल फंड पैसा बना के दे रहा है इन्वेस्टर को। चलिए अब थोड़ा हम ये भी समझ लेते हैं कि ऐसे म्यूचुअल फंड में मार्केट कैप का एलोकेशन कैसा है, इट मीन्स कि कितना पैसा कहाँ लग रहा है। देखो, अगर आप देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों मार्केट कैप में एक अच्छा रेशियो देखने को मिला है। जैसे कि लार्ज कैप की बात करूँ तो 47 से 48% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 25 से 26% और स्मॉल कैप में 22 से 23% का यहाँ पे एलोकेशन देखने को मिल रहा है। तो ये एलोकेशन है, जी हाँ, अगर आप देखोगे तो एज ए मल्टी कैप फंड जैसा एलोकेशन देखने को मिल रहा है। और ये रीजन भी है कि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पैसा बनता हुआ देखने को मिला है। चलिए कुछ स्टॉक्स पे भी नजर डाल लेते हैं कि ऐसे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स कौन कौन से हैं। जिंदल स्टेनलेस की बात करूं तो यहां पे देख सकते हो कितना परसेंट का इन्वेस्टमेंट है। JSW स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, NMDC स्टील, ग्रासिम इंडस्ट्री, अंबुजा सीमेंट जैसे स्टॉक्स इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में है। आप एलोकेशन भी देख सकते हो कितना एलोकेशन है। अगर मैं टॉप 10 स्टॉक्स की बात करूं तो यहाँ पे जो एलोकेशन है ऑलमोस्ट 60 से 65% के करीब में है। तो ये टॉप 10 स्टॉक्स से डिसाइड करेंगे कि इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा होगा। अब तो मैंने आपके सामने डाटा रख दिया, अब मेरा पर्सनल व्यू क्या है इस म्यूचुअल फंड को लेके। देखिए, अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल, 2 साल और 3 साल रिटर्न के मामले में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर को पैसा बना के दिया है।
अगर मैं आपके सामने डाटा रखूं तो आप देख सकते हो, अगर 10,000 का SIP, जी हाँ आप करते, पिछले 3 साल का ये डाटा है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता 3,60,000 के करीब में, प्रॉफिट के तौर पे 1,95,000 और करंट वैल्यू जो देखने को मिलता 5,55,000। तो रिटर्न के मामले में लगातार 3 साल से जो कैटेगरी एबिस को बीट कर रहा है, हम ऐसे म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड पे भरोसा कर सकते हैं। रिटर्न के मामले में स्ट्रांग कंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। जो लोग जुड़े हुए हैं, जी हाँ अभी भी इस म्यूचुअल फंड के साथ कंटिन्यू करें, कोई ज़रूरी नहीं है, अभी कोई रिस्क नहीं दिख रहा है और लगातार म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस भी काफ़ी स्ट्रांग है। लोग यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं इस म्यूचुअल फंड के साथ, सबसे पहले अपने रिस्क के पैरामीटर को समझे कि वाकई में क्या ये म्यूचुअल फंड उनके लिए सुटेबल है या नहीं। मैं पहले ही बता दूँ, इस म्यूचुअल फंड में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होगा। आप अगर हाई रिस्क नहीं ले सकते, आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हैं, तो ये आपके पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल नहीं है। आप ऐसे फंड को फोकस ना करो। लेकिन हाँ, अगर आप रिस्क काफ़ी ज़्यादा ले सकते हो तो ऐसे फंड को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं फंड अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, 3 साल में SIP रिटर्न 30% का दिया है, इसका मतलब हम तो यहाँ पे 70 से 80% का एलोकेशन ऐसे फंड में कर देंगे। एक प्रिंसिपल आप लेके चलो कि जब भी आप किसी सेक्टर फंड में, जब भी कोई आप थीमेटिक फंड फोकस कर रहे हो, जब भी कोई इंटरनेशनल इक्विटी के बेस्ड पे कोई म्यूचुअल फंड को जगह दे रहे हो अपने पोर्टफोलियो में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% का एलोकेशन रखो। हाँ, हो सकता है साल में एलोकेशन कुछ बढ़ जाए, इट्स ओके, हम बाद में रीबैलेंसिंग कर लेंगे, लेकिन इन सारे पैरामीटर को समझ लो कि अगर फंड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये जो मैंने कुछ कैटेगरी बताए इस कैटेगरी पे हो, तो आपको इतना परसेंट से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में जगह नहीं देना है। क्योंकि इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं, फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है, SIP में 30% 40% का रिटर्न है, क्यों ना हम अपना 10,000 का टोटल जो SIP का बजट है उसमें से 8,000 7,000 का SIP इसी फंड को कर देते हैं, बाकी लार्ज कैप या फिर मिड कैप या स्मॉल कैप को हम जगह दे देंगे। ऐसा गलती नहीं करना है। बहुत ही समराइज करके इस वीडियो के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये फंड के साथ अभी कंटिन्यू कर सकते हो, फंड का परफॉर्मेंस स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, चाहे शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करें, कहीं भी कमजोरी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। मैं दोबारा यहाँ बताना चाहता हूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। आप अगर ऐसे म्यूचुअल फंड को जगह देना चाहते हो तो जो जो पैरामीटर्स मैंने बताए हैं उस पैरामीटर्स का आप ख्याल रखना। ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, भेजिए कमेंट बॉक्स में, क्वेरी जनरेट करें। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लेकर तभी स्टार्ट करें, फिर लेकिन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।